दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाएं दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। दिवाली के दिन उदयपुर शहर के एक स्कूटर कंपनी का शोरूम बंद होने ही वाला था कि 13 साल का एक बच्चा अपनी बहन के साथ दाखिल हुआ। दोनों ने हाथों में बैग ले रखे थे। 62,000 रुपए के सिक्के लेकर यश बड़ी बहन रूपल के लिए स्कूटर खरीदने आया था। इतने सिक्के देखकर शोरूम कर्मचारी हैरान रह गए। एक बार तो स्कूटर देने से मना कर दिया। जब यश ने पूरी कहानी सुनाई तो शोरूम मैनेजर को राजी होना पड़ा। भाई बहन ने सुनाई ये कहानी। 8वीं में पढ़ने वाला यश और उसकी बहन रूपल 2 सालों से पॉकेट मनी जमा कर रहे थे। यश के पिता की आटा चक्की है। दोनों को पॉकेट मनी सिक्कों में ही मिलती थी। जब नोट भी मिलते तो वे इस डर से सिक्कों में बदलवा लेते कि कहीं खर्च हो जाए। जब 62,000 रुपए जमा हो गए तो दोनों स्कूल तर लेने पहुंच गए। माता पिता को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए मामा को साथ लिया। पूरे स्टाफ ने बैठकर 2.5 घंटे में गिने पैसे। होंडा एडवेंट के जनरल मैनेजर ने बताया कि यह हमारे लिए पहला ऐसा मामला था जब कोई पूरा पैसा सिक्कों के रूप में लेकर स्कूटर खरीदने आया। इससे पहले एक बार एक शख्स 29,000 रुपए सिक्कों के रूप में लाया था। यह पूरा मामला इमोशनल था, इसलिए हमने एक्स्ट्रा टाइम लेकर शोरूम यश और उसकी बहन रूपल के लिए खोले रखा। पूरे स्टाफ ने बैठकर 2.5 घंटों में सिक्कों को गिना। लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।